नमस्कार, आप देख रहे हैं MGB डिजिटल इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आपको बता दें, शरद पवार अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक NCP प्रमुख ने ये बात कही है। शरद पवार ने डिंडोरी लोकसभा सीट को लेकर बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने अपनी बात रखी। बुधवार को लोकसभा सीटों को लेकर की जा रही बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शरद पवार से महाराष्ट्र के माढ़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की गुजारिश की थी। वहीं पार्टी में हुई बगावत के बाद पार्टी को मजबूत करने के लिए शरद पवार राज्य के साथ देश भर का दौरा करेंगे। शरद पवार अभी संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य हैं। गौरतलब है कि इस साल जुलाई में शरद पवार की पार्टी के दो हिस्से हो गए थे। भतीजे अजित पवार ने पार्टी में बगावत कर दी थी। इस घटना में महाराष्ट्र की सियासत को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था। शरद पवार के सामने भी पार्टी बचाने की एक बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई। मामला चुनाव आयोग की दहलीज तक जा पहुंचा है, जब अजित पवार ने बगावत के बाद पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा कर दिया। वही महाराष्ट्र में शरद पवार की NCP, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन है। तीनों दल साथ में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। शरद पवार ने बुधवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ये तीनों दल विपक्षी गठबंधन इंडिया का भी हिस्सा है। पार्टी प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि पवार ने महाराष्ट्र के 7 लोकसभा क्षेत्रों कोल्हापुर, हातकणंगले, रावेर, बारामती, शिरूर, सातारा और माढ़ा में पार्टी की चुनाव तैयारियों के लिए यहाँ एक बैठक की। उन्होंने बताया कि पवार ने BJP के नेतृत्व वाली सरकार की विफलताओं पर बात की और पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन कमियों को जनता के सामने खुलकर बताने के लिए भी प्रोत्साहन किया। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया। धन्यवाद।